मध्य प्रदेश के पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में तंबाकू से होने वाले नुकसान को बताया गया। इस दौरान डॉक्टर एमएल चौधरी ने बताया कि तंबाकू का सेवन करना जानलेवा है, ये सब जानते हुए भी पूरे विश्व में लोग किसी न किसी रूप में इसका सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हर साल विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों को संदेश भी दिया है। आज शासन की मंशा के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हमारी सभी आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, आम पब्लिक आशाएं उपस्थित रहीं। इसका मूल संदेश ये है कि जो तंबाकू गुटखा बीड़ी और शराब के माध्यम से विभिन्न तरह के व्यस्त जो हैं, इन व्यस्तों की वजह से शारीरिक क्षति होती है और काफ़ी नुकसान होता है, और नुकसान होने के साथ ही इसमें शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, किडनी, ये प्रभावित होते हैं, जिससे आदमी अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने पर जो है तो स्थिति आगे चलकर ऐसी बन जाती है कि वो व्यक्ति जो है कार्य करने योग्य नहीं होता है, उसकी शारीरिक क्षमताएँ घटती चली जाती हैं, जननांगों की पैदा होने लगती है। तो मैं आम पब्लिक लोगों से सभी से उम्मीद और प्रचार प्रसार करूँगा कि खासकर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मद्यपान का सेवन में प्रतिबंध लगाया जाए और इसकी जागरूकता आम जन